Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you will be fine. So students, jaisa ki aapko maloom hai ki hum hasmamul day by day with the pace of time waqtan faqtan ek nayi topic leke aate hain aur aapke sath isi topic pe discussion karte hain. To isi tarah aapko ye bhi maloom hoga ki mera naam hai Walid Arad aur main aapke sath daily life conversation, daily life grammar aur day by day main aapke sath ek nayi topic leke aata hu, aapki khidmat mein hazir hota rehta hu. और आपके साथ ग्रामर के हवाले से, लिंग्विस्टिक के हवाले से कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ. तो इस तरह आपको ये भी मालूम होगा कि आज का जो हमारा सीरीज चल रही है वो है स्पेशल ग्रामर. स्पेशल ग्रामर हम पढ़ चुके हैं. स्पेशल ग्रामर हमने पढ़ा, ग्रामर की डिफिनेशन पढ़ी, सेंटेंस पढ़ा, फ्रेज पढ़ा, क्लोज पढ़ा, उसमें फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े. और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद BS फर्स्ट के स्टूडेंट की तरफ से, BS इंग्लिश की फर्स्ट BS फर्स्ट की तरफ से, यानी इंग्लिश के डिपार्टमेंट के फर्स्ट स्टूडेंट की तरफ से उनने मुझे ये हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज वी नो अबाउट टेंसेस बट सम टाइम व्हेनेवर आवर टीचर टीच अस वी आर सो कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई प्लीज टीच अस अ गुड मेथड, टीच अस द इजीएस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड ऑल टेंसेस इजीली. तो इसलिए मैंने ये इरादा किया कि आज के बाद हम टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने शुरू किया है, लेकिन इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लें, सबसे पहले मैं आपको फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. इसी तरह का रेड कलर का बटन आएगा उसे भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद यहीं पर एक बेल आइकन का बटन आएगा उसे भी ऑन कर लें ताकि हमारे रोजाना की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे और आप कामयाब और कामरान पाकिस्तानी बन जाए. तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है क्या चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं फेले हाल मुतलिक. फेले हाल मुतलिक ने हमने पढ़ा था ही शी इट सिंगुलर नाउन जब आए तो उनके साथ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES, यानी वर्ब की फेले हाल के साथ S या ES का इजाफा करते हैं. अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर S का इजाफा कब करते हैं और ES का इजाफा कब करते हैं. मैं तफसील से बयान कर चुका हूँ, तफसील से मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं जरा रिविजन करता हूँ कैसे कि जब भी किसी वर्ब के आखिर में CH SH X या O ये आएगा उनके साथ ES लगाएंगे वर्ब के आखिर में. अगर ये ना आए तो सिर्फ S लगाएं. तो आज हम प्लूरल नाउन की तरफ जा रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी बारे में, आई वी यू दे प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन दो नाम कोई भी हो जाए, लड़की लड़का हो जाए, दोनों लड़के हो जाए, दोनों लड़कियों हो जाए, आपकी अपनी मर्जी है. तो आते हैं कैसे, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस से, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. V1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ब की पहली हालत. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कैसे, ये सब्जेक्ट मैंने आई वहां से उठा लिया, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं. अब यहां पे एस या एस की जरूरत नहीं है. नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपको करना क्या है, आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब और नॉट नॉट की जगह आ गया और गो मेन वर्ब है. आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता. और याद रखेगा ये जेनरेशन करने के आई की जगह आप वी यूज कर सकते हैं, वी की जगह यू, यू की जगह दे, दे की जगह दो नाम, जिस तरह मैं कहता हूं अली एंड असलम, अकरम एंड अली, कह सकते हैं कोई भी नाम ले लें. आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता. अब आते हैं इंट्रोगेट, पहले हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस, यानी जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड टाइप जो सेंटेंस आ रहा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे. सवालिया फिकरा, सवालिया सेंटेंस जब आप बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जब बनाएंगे तो आपने करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आइए, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आइए सब्जेक्ट से पहले. डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कैसे, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क इंतहाई जरूरी है. अगर आप ये पुट नहीं करेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन पुट नहीं करेंगे, तो मे बी इट्स पॉसिबल, ये मुमकिन है कि आपके टीचर आपसे 2 या 3 मार्क्स या 1 मार्क्स भी हो सकते हैं आपसे काट ले. आजकल के दौर में कंपटीशन है बहुत, मार्किंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है. तो डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं. अब फोर्थ टाइप जो नंबर, फोर्थ नंबर पे जो सेंटेंस आ रहा है वो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. क्या मतलब है, इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, सवाल ये भी होगा और मनफी भी होगा, कैसे, ये चौथे नंबर पर, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कैसे, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता. दोबारा देखते हैं, पहला है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें.
दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, शेयर करने से ये फायदा होगा कि आपके दोस्त आप और फायदा उठा सकेंगे। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, कल मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से मैं आपको मजीद कुछ सेंटेंसेस दूंगा। जो आपका काम क्या होगा, आपने उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और नीचे कमेंट में लिखना है। अगर फिर भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई मसला है तो नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखेगा और मैं आपके क्वेश्चन के मुताबिक कल इसी क्वेश्चन पे इसी आपके प्रॉब्लम के हवाले से मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वर्ल्ड के साथ। मैं आपके साथ रहूंगा आपकी हेल्प के लिए। अल्लाह हाफिज़।